नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां एमपी की 3 ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी भोपाल से हुआ गिरफ्तार। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां पाकुड़िया में कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभा। साथ ही आगे चर्चा होगी संभल की, जहां भीषण गर्मी में नगर पंचायत अध्यक्ष ने बांटा सर्वर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ के एकलास नगर से, जहां अलीगढ़ मथुरा मार्ग के एक किनारे होते हुए सोमवार की पैठ के सहारे होकर करबन नदी के लिए जा रहे गिदौली नाले को अतिक्रमणकारियों ने जगह जगह निजी पुलों का निर्माण कर नाले को अतिक्रमण का शिकार बना दिया। वहीं नाले की पटरी को पूरी तरीके से दुकान व मकान बनाकर कब्जा कर लिया है तथा उक्त नाला जब तक सिंचाई खंड हाथरस की देखरेख में था, समय समय पर सफाई होती रहती थी। जब से ये नाला सिंचाई खंड अलीगढ़ के अधीन हुआ है, नाले में भारी सिल्ट जमा होने के नाला अटा हुआ है। इस संबंध में लोगों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत भी भेजी। तो समाचार पत्र व न्यूज चैनलों में खबर लगने के बावजूद भी सिंचाई विभाग नींद से नहीं जागा और प्रशासन भी इस ओर बेखबर है। इस संबंध में नगर के संभ्रांत लोगों ने मुख्यमंत्री को पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजा है। अलीगढ़ इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां सियासी घमासान जारी है। ग्वालियर में उमा भारती ने कहा कि इस बार भाजपा 400 नहीं 500 पार होने वाली है। साथ ही उमा भारती ने यह भी दावा किया कि विश्व देखेगा किसी की इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है, इतनी सीटें भाजपा को मिलने जा रही हैं। उमा भारती ने बड़ा दावा किया है कि इस बार 400 नहीं 500 पर होंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि उमा भारती इस जुगले गैंग की सदस्य हैं, वो भी जुगले पर जुगला फेंकती रहती हैं। उमा भारती को मानसिक इलाज की जरूरत है, कभी शराबबंदी के लिए मुखर हो जाती हैं और पत्थर मारती हैं और बाहर सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस कहा कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेत्री, उन्होंने जो सोचा होगा वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हित में सोचा होगा, बड़ी मुश्किल समय में उन्होंने पार्टी का साथ दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने आगे और क्या कुछ कहा। भाई साहब, उमा जी कह रही है 400 नहीं 500 पार, कांग्रेस कह रही है मोदी जी का मजाक बनाने होगा। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियों में से एक है। पार्टी के लिए शुरुआती दौर में संघर्ष उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के बारे में उनकी सद्भावना है। उन तमाम लोगों का, वह नेता जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस पार्टी को इतना विशाल बनाया है, तो उनके लिए लक्ष्य हो सकते हैं कि 500 पार भी हमारे लिए आगे 400 पार करने के बाद संभावित लक्ष्य रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पर हम इसको आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं उनके ही प्रयासों के कारण, उनके ही संकल्पों के कारण आज हम 2 सीटों से लेकर के इस स्थिति तक हैं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आए हैं और 400 पार का लक्ष्य इस बार साकार होने जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का हमें आशीर्वाद हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का है, तो आने वाले वक्त में बड़े लक्ष्य की ओर भी पार्टी अग्रसर होगी। उमा भारती जी भी उसी जुमला गैंग की सदस्य हैं जो लगातार जुमले पे जुमले फेंकते रहते। उमा भारती जी मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है, जिस तरीके से कभी शराबबंदी को लेकर मुखर हो जाती है, पत्थर मार आती है और सोचती शराबबंदी हो जाएगी, बाद में उस पर ध्यान नहीं देती है। गंगा की सफाई को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी, आज 500 पार की बात करने लगी। ये लोकतंत्र है, इसमें आप ये तो देखिए कि इंदिरा गांधी से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है। इंदिरा गांधी को भी मुद्दों के अभाव में चुनाव हारना पड़ा था। आज इस देश की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उमा जी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश में महंगाई का वादा किया गया था, इस देश में बेरोजगारी दूर करने का वादा किया गया था, इस देश में काला धन वापस लाने का वादा किया गया था। हुआ क्या? महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और आज तो महंगाई ने कमर तोड़ दी आम जनता की। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उमा भारती जी को एक तरफ उधर भी ध्यान देना चाहिए, एक सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आपके बातों का क्या हुआ। निश्चित तौर पर उमा भारती जी गलत फहमी का शिकार है, जमीनी धरातल पर ध्यान देना होगा, समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी कितने में सिमट रही है। मध्य प्रदेश को भिखारी मुक्त करने की शासन की योजना है, सरकार की योजनाओं से तो यहाँ की जनता भिखारी बनती जा रही है। रोजगार के अभाव में नौजवान नशे की गिरफ्त में चला जा रहा है और भिखारियों का सर्वे हो रहा है। भिखारी मुक्त निश्चित तौर पर अच्छी योजना है, लेकिन सरकार की नीयत इसके पीछे क्या है ये समझना पड़ेगा। भिखारी मुक्त प्रदेश होना चाहिए, आत्मसम्मान से जीने का सबका अधिकार है, लेकिन सरकार अपने इस
उद्देश्य में सफल हो पाएगी इसको लेकर के शंका है। रहा सवाल शिक्षकों का, शिक्षकों से लगातार काम कराया जा रहा है, जनगणना से लेकर चुनाव और चुनाव के बाद अब भिखारियों की गिनती, निश्चित तौर पर सरकारी अमले का अभाव है और सरकार की इच्छा शक्ति का भी अभाव है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश की 3 ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रेलवे स्टेशन पर जाकर एक निजी न्यूज चैनल के संपादक को धमकी भरा मैसेज किया था। मीडिया हाउस के कर्मचारी ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई। इस पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड जब्त किए। आरोपी पटवारी पुलिस कांस्टेबल एवं जेल प्रहरी की परीक्षा दे चुका है, अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। आरोपी ने फेमस होने के लिए झूठी खबर फैलाई थी। आरोपी ने अपराध के संबंध में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आइए जानते हैं इस विषय में ADCP क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने आगे क्या कुछ कहा। क्राइम ब्रांच को जो मीडिया समूह की ओर से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया जो उनको व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था, इसमें 3 ट्रेनों में बम लगे होने और उनके शीघ्र भोपाल पहुंचने की संभावना को जारी बताते हुए व्हाट्सएप मैसेज किए गए थे और इन मैसेज में कुछ भाषा भी इस तरह इस्तेमाल की ताकि पुलिस को भ्रमित किया सके। इस मैसेज को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की सभी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं सतर्क होकर काफ़ी चाक चौबंद होकर तलाश पड़ताल की और लगभग काफ़ी मशक्कत के बाद ये जो असली व्यक्ति हैं आनंद बिलवान जो काला पीपल सजा रहने वाला, इसको पकड़ा और इसके द्वारा अपना एकृत कबूल किया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये जो मोबाइल है इसके नज़दीकी रिश्तेदार जिसको पड़ोस में रहता है कोलर झुग्गी में रहते हैं उसका मोबाइल इसके द्वारा उठा लिया गया था और उस मोबाइल जो कीपैड था बाद में उसको एंड्रॉइड से व्हाट्सअप चालू करके उससे मैसेज भेजा गया, बाद में मोबाइल बंद कर दिया गया। इसको उम्मीद थी कि पुलिस दूसरे व्यक्ति को पकड़ेगी तो इसमें 2 संभावनाएं हमको लगीं कि पहला तो अपने रिश्तेदार को फंसाना ताकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, दूसरा स्वयं को प्रचार की मंशा से आगे लाना। अभी तक की जो पूछताछ में यही दो सामने आए, क्रिमिनल रिकॉर्ड इस व्यक्ति का नहीं मिला है। हमने बैकट्रैक भी किया काला पीपल साजापुर में, इसके जो बैकग्राउंड भी हमने बैकट्रैक किया और अभी हम पूछताछ पड़ताल हमारी जारी है। अभी तक तो खुलासा होने और उसके सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति के मोबाइल जब्त कर हमने गिरफ्तारी कर ली है और आगे की पड़ताल में अगर होगा तो उस आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी 507 IPC में जो धमकी है और जनसामान में अफवाह फैलाना, आतंक की तरह की जो अफवाह फैलाना उसमें कार्रवाई की गई। मैं पहले बता चुका हूँ, दो मैंने पहले कारण बताए जो भी हमारी प्राथमिक पूछताछ में जो इंटेंशन में सामने आया कि अपने नज़दीकी रिश्तेदार का फ़ोन इस्तेमाल करना ताकि उसको फंसाया जा सके, मोबाइल बंद कर लिया गया, दूसरा स्वयं प्रचार पाने की मंशा ताकि खुद को आगे उसमें लाइम लाइट में ला सके। और दूसरे अलावा अभी कुछ आगे तथ्य की जानकारी के लिए हम पूछताछ पड़ताल कर रहे हैं। देखिए ये कुछ इसमें उर्दू शब्दावली का इस्तेमाल इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जो हम लोगों को पहले से शंका थी कि जो व्यक्ति इस तरह कृत्य करता अपराधिक मानसिकता होती उसकी अपराध किसी और के ऊपर डालने या छुपने के लिए सब चीज़ों का हमेशा ही अपराधिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसके द्वारा भी किया गया। भोपाल से CNews संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पाकुड़िया यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और राजमहल सीट पर पार्टी प्रत्याशी विजय हांसदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया और इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता लेगी। झामुमो नेत्री ने केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हम सब अपना अधिकार जब मांगते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं एवं सरकार को दबाने फंसाने का काम किया जा रहा है। कल्पना ने कहा कि भाजपा आदिवासी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं सुहाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपना हक के लिए सबसे बड़े हथियार वोट का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड की गठबंधन सरकार के धरातल पर उतारी गई कल्याणकारी योजनाओं को भी रखा। उन्होंने केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। झामुमो नेत्री ने आगामी 1 जून को तीर्थनुष चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से विजय हांसदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। ये जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं
ये जो जोश मुझे दिख रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है, ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव है। और हमारी जनता ने ये मन बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सैलाब में इससे पहले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं, हमको वहां पे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी खड़े हैं, उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और झारखंड में जितने 3 चरण में चुनाव हुए हैं, उसमें जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल चुका है। और इसके लिए मैं आप सभी का और हमारी झारखंड की जनता का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां आज दूसरे दिन भी नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास ने एक पंडाल रोडवेज बस स्टैंड सिरसी में लगवाकर इस भीषण गर्मी में राहगीर यात्रियों कस्बावासियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए लोगों और महिलाएं तथा छोटे छोटे बच्चों को नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने हाथों से ठंडा शरबत पिलाया, जिससे वहां मौजूद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आपको बताते चले कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मौसम विभाग के अनुसार 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार के दिन तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़कर 49 तक पहुंच सकता है। जिलाती धूप में खुद खड़े होकर राहगीर एवं यात्रियों की गाड़ियों को रुकवा कर ठंडा शरबत पिलाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना शरबत पिए ना जा सके। नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास ने एक मिसाल कायम करते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से उनको ठंडा शरबत पिलाया, जिससे इन छोटे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। वही पंडाल में वरिष्ठ लिपिक रईस अहमद, ममी खान, तनवीर, हैदर दानिश, रजा मोहम्मद रफी, मोहम्मद इस्लाम, सभासद कयामुद्दीन सैफी, चेयरमैन प्रतिनिधि समर अब्बास नकवी आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।